हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन और आज हम लोग आईसीएससी के आईसीएससी का बायोलॉजी का चैप्टर सेवन द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इंस्टा का लिंक में क्लिक कीजिएगा वहाँ पे जाके आप मेरा बुक बाय कर सकते हैं और अगर आप लोग को आ, रिले कॉमर्स अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स का एम या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जा के देखिए उधर आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा आपको उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एम मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विथ द सर्कुलेटरी सिस्टम तो मैं बता दूं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में आपका बॉडी फ्लेट्स के बारे में बताया गया है और पार्ट बी में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है तो आज हम लोग पार्ट ए करेंगे बॉडी फ्लुइड्स अब सबसे पहला चीज़ इधर दे रखा है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी अब हम लोग के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट क्यों होता है प्री ऑर्गन इन अवर बॉडी रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूड्स फॉर एग्ज़ाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट एंड एबजॉर्ब न्यूट्रेंट्स विच आर नीड नीडिड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल तो इधर क्या बोल रहे हैं हर ऑर्गन को हर ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रजेंट रहता है उसको सर्कुलेटरिंग बॉडी फ्लूड्स का रिक्वायरमेंट होता है अब कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हम लोग का वो डाइजेस्ट और एबजॉर्ब करते न्यूट्रेंट जो कि होता है ट्रांसपोर्टेशन में और हर बॉडी सेल्स में जो हम लोग का नीड uh, होता है न्यूट्रिएंट्स का वो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉज इन एयर एंड द ऑक्सीजन पिक्ड अप फ्रॉम इट इन द लंग्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम लोग का वो हम लोग मतलब जो लंग्स से हम लोग का तो हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन पिक करते हैं लंग से वो भी ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग का हर बॉडी पार्ट्स में सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर बॉडी हैज़ टू बी कैरिड टू द लंग्स फॉर गिविंग आउट और हम लोग का जो हर बॉडी पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हर बॉडी पार्ट से लिया जाता है लंग्स से लंग्स ले लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है और वो हर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है ऑल द एक्स्ट्रा वाटर एक्सेस सॉल्ट एंड द नाइट्रोजेनस वेस्ट सच एस यूरिया हैव टू बी रिमूव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड हैव टू बी सेंट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी अब जितना भी एक्स्ट्रा वाटर और जितना भी एक्सेस सॉल्ट और नाइट्रोजेनस वेस्ट नाइट्रोजेनस वेस्ट अब नाइट्रोजेनस वेस्ट क्या होता है यूरिया यूरिया जो होता है वो हम लोग का डिफरेंट पार्ट से रिमूव करना पड़ता है उसको और उसको सेंट करना पड़ता है एक्सक्रिटरी सिस्टम में ताकि वो बॉडी से निकल पाए नाउ हॉर्मोन्स सिक्रीटिड बाय द एंड्राइन सिस्टम हैव टू बी कैडिड थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सर्कुलेटिंग ब्लड टू एक्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन अब जो हॉर्मोन्स हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है वो भी कैडिड मतलब उठाया जाता है और पूरा बॉडी में सर्कुलेटरी सर्कुलेटिंग ब्लड के जरिए से पूरा बॉडी में फैला दिया जाता है और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का वहाँ वहाँ दिया जाता है क्या दिया जाता है हार्मोन्स दिया जाता है जो कि हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम आपका मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाऊँगी कि हॉर्मोन्स कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है ये भी आप लोग का एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम इससे भी काफ़ी सारा ऑलमोस्ट ट्वेल्व तो टू फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आपका ट्वेल्व टू तो फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है आई में नाउ ऑल सच फंक्शन दैट नीड ट्रांसपोर्ट आर परफॉर्म बाय द टू सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग फ्लूड द ब्लड एंड द लिम्फ अब ये जो फंक्शंस होता है ये सर्कुलेशन का ये दो चीज़ दो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ये सर्कुलेटिंग फ्लूड्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं क्योंकि ये पूरा बॉडी में सब कुछ सर्कुलेट करता है सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है इसलिए इसको हम लोग दो फ्लूड होते हैं ये और इस दो फ्लूड का हम लोग ने नाम रखा है सर्कुलेटिंग फ्लूड और ये सर्कुलेटिंग फ्लूड क्या होते हैं एक होता है हम लोग का सर्कुलेटिंग फ्लूड ब्लड और दूसरा होता है लिव अब फ्लूड्स इन अवर सॉरी बिसाइड्स ट्रांसपोर्ट दिस फ्लूइड्स हैव सम अदर फंक्शन आल्सो और ये जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट को छोड़ के इन फ्लूइड का अलग अलग फंक्शन भी होता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नाउ फ्लूइड्स इन अवर बॉडी अब हम लोग के बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स होते हैं ऑल टोटल देर आर थ्री प्रिंसिपल फ्लूइड्स इन अवर बॉडी ब्लड कंटेंड इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहला ब्लड हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में खून होता है और ये खून कहाँ रहता है दिल में रहता है और ब्लड वेसल्स में रहता है ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं आर्टरीज वेंस और कैपिलरीज और जो हम लोग का सर्कुलेट्री सिस्टम होता है नाउ टिश्यू फ्लूड ऑक्यूपाइंग स्पेसिस बिटवीन सेल्स इन द ऑर्गन टिश्यू फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो ऑक्यूपाई uh, करते हैं सेल्स के बीच सेल्स और ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वो फ्लूड उधर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं टिश्यू फ्लूड बोलते हैं नाउ लिम्फ विच इज कंटेन विद इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिंग ऑर्गन सच एज स्पिल एंड द ट्स अब लिम्फ क्या होता है ये कहाँ रहता है लिम्फ ये रहता है लिम्फ वेसल्स में लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में और ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं स्प्लिन और टॉन्सिल जो गले में टॉन्सिल होता है वो भी हम लोग का लिम्फ होता है लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जिसमें लिम्फ रहता है अब यहाँ पे अगर आप लोग के पास आ, क्लास टेन का कॉन्साइज बुक है बायोलॉजी का तो आप लोग पेज नंबर सेवेंटी सेवन में देख सकते हैं आप लोग को एक डायग्राम दिखेगा कुछ इस टाइप का इस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा। तो ये जो डायग्राम क्या शो कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टिश्यू फ्लूड एंड लिम्फ एज दे सर्कुलेट इन देयर रिस्पेक्टिव वेसल्स और स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इन द डिफरेंट ऑर्गन तो ये लोग रिलेशनशिप शो कर रहे हैं किसके बीच में ब्लड टिश्यू फ्लूड और लिम्फ के टिश्यू फ्लूड और लिम्फ के बीच में कैसे वो सर्कुलेट करता है और कैसे वो सर्कुलेट करता है और रिस्पेक्टिव वेसल और स्पेस में जाता है बिटवीन सेल्स और ऑर्गन्स के बीच में इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम डैट ब्लड इन अवर बॉडी सर्कुलेट्स इन ए क्लोज मैनर दैट इज़ ऑल द टाइम थ्रू आउट ब्लड वेसल्स और ये डायग्राम से हम लोग को क्या क्लियर होता है कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में वो सर्कुलेट करते काफ़ी क्लोज मैनर में मतलब बहुत पास रहता है और ये हमेशा ब्लड वेसल से आता जाता रहता है कभी भी रुकता नहीं है सच ए टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड ए क्लोज वेस्कुलर सिस्टम और इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग क्लोज वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग का आता है एज अगेंस्ट दिस इन सर्टेन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट द ब्लड मोस्टली फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसिस कॉल्ड एन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट में क्या होता है जो ब्लड होता है वो मोस्टली फ्लो होता है थ्रू ओपन स्पेसिस ओपन स्पेसिस में फ्लो किया जाता है और उस ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमेंस में क्या होता है ये सब कुछ क्लोजली होता है क्लोजली होता है तो इस इसको हम लोग क्यों क्या बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर सिस्टम तो ये आपका टू मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि वट डू मीन बाई क्लोज वेस्कुलर सिस्टम एंड वट इज़ ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर डिफरेंस बिटवीन क्लोज वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन वेस्कुलर सिस्टम या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी टिश्यूज टिश्यू स्पेसिस विदाउट दिसेस और उन लोग का जो ब्लड फ्लो होता है मतलब इंसेक्ट और एनिमल्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट से जाकर के बॉडी टिश्यू टिश्यू के सहारे होते हैं उन लोग के बॉडी में वेसल्स नहीं होते अब नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूड अब हम लोग के बॉडी में कुछ ऐसे भी फ्लूड होते हैं जो सर्कुलेशन नहीं करते देयर आर ऑल्सो सम अदर फ्लूड्स लोकेटेड इन पर्टिकुलर ऑर्गन सच एस साइनोवियल फ्लूड फील्ड इन द कै कैविटीज़ ऑफ स्केलेटल जॉइंट्स विटेरस ह्यूमर इन द आई एक्सट्रा दे डू नॉट सर्कुलेट अब कुछ ऐसे फ्लूड होते हैं जो हम लोग के पर्टिकुलरली एक ऑर्गन में रहते हैं और वो सर्कुलेट नहीं करते जैसे हम लोग का स्केलेटल जॉइंट्स के कैविटी में साइनोवियल uh, फ्लूइड नाम का एक फ्लूड रहता है वो सर्कुलेट नहीं करता वो हमेशा उधर ही रहता है और एक व्यूटीरियस ह्यूमर के नाम से एक फ्लूड होता है जो हम लोग के आँखों में होता है वो भी सर्कुलेट नहीं करता है तो ऐसे कुछ नॉन सर्कुलेटरिंग फ्लूइड्स का नाम आप याद रखिएगा ये वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है नेम द फॉलोइंग में नाउ ब्लड द ब्लड नेवर्स स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब आपको समझ में आता है जो रुका हुआ है तो ये नेवर स्टेशनरी है मतलब ब्लड कभी नहीं रुकता ब्लड इज़ ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू द वेंस तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड्स कभी नहीं रुकते इसलिए ब्लड इज़ ऑलवेज इन मोशन और ये हमेशा हार्ट से आर्टरीज में जाता है आर्टरीज क्या कैरी करता है आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं मतलब जो जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि हम लोग ने सांस लिया ये लंग्स है ये आर्टरीज़ है ये हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया हार्ट ने सब आ, सारा बॉडी पार्ट हार्ट के पास गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सारा बॉडी के पास दे दिया और जितना भी बचा हुआ ब्लड था वो यहाँ से जाके ब्लड टिश्यू फ्लूड में चला गया और फिर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बाकी सारा बॉडी पार्ट और ये ब्लड टिश्यू फ्लूइड से आया और वापस हार्ट के पास गया और वहाँ से भी कलेक्ट किया और वापस लंग्स के पास गया और हम लोग ने सांस छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो यही ब्लड का काम है और हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कौन कैरी करता है आर्ट्रीज़ कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रहता है वो कौन कैरी करता है वेंस कैरी करता है अप कलर द ब्लड इज समवर्ट समवर्ट थिक फ्लूड ब्राइट रेड वेन टेकन फ्रॉम एन आर्ट्री और डार्क रेड वेन टेकन फ्रॉम ए वेन कन्वेंशली इन द डायग्राम विच शो द वेनस इन ब्लू दिस इज जस्ट फॉर कॉन्ट्रास्ट द ब्लड इन साइड द वेन इज नॉट ब्लू इट इज़ एक्चुअली डार्क रेड तो हम लोग का जो ब्लड कैसा दिखता है ये थिक फ्लूड होता है आप लोग सबने देखा ही होगा ये थिक फ्लूड होता है मोटा रहता है और ये ब्राइट रेड कलर का रहता है जब ये आर्टरीज में रहता है क्योंकि ब्राइट रेड इसलिए रहता है क्योंकि ये इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है इसलिए ये ब्राइट रेड रहता है लेकिन जब ये पूरा बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है इसलिए ये डार्क रेड रहता है ये जो मैंने अभी आप लोग को डायग्राम दिखाया है, इसमें आपको ये रेड कलर का दिखेगा आर्टरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर ब्लू कलर का दिखेगा ये ब्लू इसलिए आपको दिखाया गया ताकि आप लोग फर्क कर सकें इन दोनों के बीच में एक्चुअली ये ब्लू नहीं रहता ये रहता है डार्क रेड कलर का और डार्क रेड कलर का क्यों रहता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है द अवर थ्री प्रिंसिपल फ्लूड्स इन अवर बॉडी आर रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइबड इन सेक्शन सेवन पॉइंट फाइव ब्लड एंड सेक्शन सेवन पॉइंट फोर्टीन टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ नाउ वॉल्यूम एंड एवरेज एडल्ट ह्यूमन कंटेंट्स फाइव टू सिक्स लीटर्स ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम इन इज बॉडी अब एक एडल्ट ह्यूमन बींग में मतलब एटीन या फिर एटीन प्लस जो इतने भी हम लोग रहे हैं तो उसमें हमेशा फाइव टू सिक्स लीटर्स ब्लड का वॉल्यूम रहता है हमारे पूरे बॉडी में अब इसका टेस्ट कैसा होता है जी कभी भी कटा होगा तो आप लोग ने ब्लड को टेस्ट किया होगा ये थोड़ा सा सॉल्टिश रहता है तो इसका ब्लड का टेस्ट क्या होता है सॉल्टिश होता है पर हैव्स वी हैव ऑल टेस्टेड अवर ब्लड एज इन द केस व्हेन देयर इज ए कट इन द टंग और ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स द ब्लड इज़ स्लाइटली एल्कलाइन विद ए पी एच ऑफ सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर फाइव सेवन इज न्यूट्रल नाइदर एसिडिक और नॉर एल्कलाइन अब हम लोग ने सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिडिक एसिडिक और एल्कलाइन कहाँ पे होता है तो हम लोग का ब्लड का लेवल हमेशा सेवन सेवन पॉइंट थ्री से सेवन पॉइंट फोर फाइव तक जाता है और सेवन को हम लोग न्यूट्रल स्टेट मानते हैं न्यूट्रल स्टेट मतलब ना तो ये एसिडिक होता है ना ये एल्कलाइन होता है सो so, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ेंगे और आगे ये चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे होप आप लोग को समझ में आया होगा और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास टेन और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ क्लास टेन यू कैन आक्स मी इन कमेंट बॉक्स और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कॉमर्स इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स तो भी आप मेरे को कमेंट uh, बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन